वेलकम टू कुक एंड बेक एकेडमी। मेरा नाम है शेफ हरकीरत सिंह और आज हम बना रहे हैं चना मसाला। तो सबसे पहले अब हम अपने चने को बॉईल करेंगे। हमने 200 ग्राम चना लिया है, इसको हमने ओवरनाइट सोक किया है। मैंने चना डाल दिया, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी हल्दी और 2 पिंच बेकिंग सोडा। अब इसको हम 3 to 4 विसल के लिए बॉईल करेंगे। हमारे चने बॉईल हो रहे हैं, इन द मीन टाइम हम फिर चने का मसाला बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए अनियंस, टोमेटो, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, किचन किंग, चना मसाला, देगी मिर्च, इलायची पाउडर, जावित्री पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेश क्रीम एंड ऑयल। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे ऑयल, उसके बाद हम डालेंगे अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको हल्का सा कुक करेंगे। इसमें हम डालेंगे हमारी अनियन। हमें अपने अनियंस को गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे टोमेटोज। अब हमारे अनियन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसमें हम ऐड करेंगे टोमेटोज और इसको भी अच्छे से भूनेंगे जब तक ये अपना तेल नहीं छोड़ देते। ये हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, अब देख सकते हैं उसके ऊपर सारा ऑयल छोड़ दिया। इसमें हम ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस और थोड़ा और कुक करेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट डालना, थोड़ा सा किचन के, चना मसाला, देगी मिर्च 1 पिंच के करीब हम इस पर डालेंगे, जावित्री पाउडर और इतना ही हम डालेंगे इलायची पाउडर। इसको हम थोड़ी और देर के लिए भुनेंगे। जैसे ही ये मसाला अपना तेल छोड़ देगा हम इस पर अपने चने ऐड कर देंगे। मसाले ने तेल छोड़ दिया, इसमें हम ऐड करेंगे अपने छोले। हमारे चने बॉईल हो चुके हैं, अब इसका हम थोड़ा थोड़ा पानी अपने मसाले में डालेंगे, फिर इस पर हम अपने चने ऐड कर देंगे। इसमें हम अपने चने ऐड करेंगे। हमारे चने हम 5 मिनट हो गए बॉईल होते हुए, इसको हम साथ ही साथ चने को हल्का हल्का मैश करेंगे ताकि हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाए। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से जिंजर जूलियन, थोड़ी ग्रीन चिली स्लेट्स, तो इसको थोड़ा थिक करने के लिए थोड़ी देर हम इसको कुक करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और कुक होने देंगे। अब हमारा चना मसाला रेडी हो गया, अब इसको हम सर्व करेंगे। हम इसको गार्निश करेंगे हल्के से जिंजर जूलियन के साथ, थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब हमारा चना मसाला रेडी है, आप इसको एंजॉय कर सकते हो चावल के साथ या नान के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।